मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब कंसंट्रेशन के रिलेशन को समझते हैं। और कंसंट्रेशन के रिलेशन को आप समझ गए तो कंसंट्रेशन पे न्यूमेरिकल लगाना हो जाएगा आसान। जी हाँ, कंसंट्रेशन पे न्यूमेरिकल जरूर आता है और कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल से रिलेटेड होते हैं, यानी बाकी कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व तभी होंगे जब कंसंट्रेशन को पहले आप सॉल्व कर चुके होंगे या कंसंट्रेशन को समझ रहे होंगे। जी हाँ, तो कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल को कैसे लगाते हैं उसके लिए पहले रिलेशन को देखते हैं। जी हाँ, कंसंट्रेशन, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कंसंट्रेशन थे, जैसे मैं कह दूं कि परसेंट डब्ल्यू बाई वी था। जी हाँ, और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन था और आपका नार मल्टी था। जी, और क्या था आपके पास, मोलारिटी था। इनके कंसंट्रेशन में ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन। जी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, ग्राम पर लीटर, नॉर्मलिटी एंड फोर्थ मोलरिटी। इन कंसंट्रेशन को चेंज करने में डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर वॉल्यूम है, यहां भी सोल्यूशन का वॉल्यूम, और नॉर्मलिटी आप जानते ही हो क्या होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर। जी, ये भी क्या है, वॉल्यूम ही है। मोलारिटी, मोल पर लीटर, यहां पर भी क्या है आपका, वॉल्यूम ही है। तो ग्राम पर लीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, परसेंट डब्ल्यू बाई वी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, नॉर्मलिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मोलारिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यहां वेट है ग्राम में और यहां भी ग्राम में ही है। नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट को वेट में बदल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करने पर, और मोल को बदल सकते हो वेट में, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करने पर। जी, इसलिए यहां इन चारों को अगर परसेंट डब्ल्यू बाई वी में हो या ग्राम पर लीटर में हो या नॉर्मलिटी में हो या मोलरिटी में हो, इनको आपस में रिचेंज करने में हमें किसी और अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। परसेंट डब्ल्यू बाई वी, जाहिर सी बात है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूम, जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, और किससे मल्टीप्लाई करते हो भाई, 100 से। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो जरा बता दो, तो अभी समझाया था पिछले वीडियो लेक्चर में। जी, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट ग्राम में होना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए, और ये क्या है, वॉल्यूम है, लीटर में होना चाहिए। अगर एमएल में है तो यहां किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से। और ये ग्राम पर लीटर, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में हो, अगर एमएल में है तो किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, 1000 से। ऐसे ही तो मोलर, मोल पर लीटर भी, मोलरिटी भी क्लियर होगी। मोल अमाउंट ग्राम में होना चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम होगा लीटर में, अगर एमएल में तो किससे मैं मल्टीप्लाई करोगे भाई, 1000 से। ये सारे रिलेशन तो पिछले वीडियो में आ चुके हैं, बस आपको यहां क्या करना, रीजन आप देखो ना, सब तो एक ही है। क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में। और जब सॉल्यूट को आप देखते हो ना, तुरंत उसका इक्विवेलेंट वेट तो निकल आता है, मॉलिक्यूलर वेट निकल आता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर इक्विवेलेंट वेट। जी हाँ, तो अगर इन में से किसी को भी आपस में अगर आप रीचेंज करना चाहें तो आप रीचेंज कर सकते हो। जी हाँ, अगर मैं कहूं कि यहां पे नॉर्मलिटी कैपिटल एम, मोलरिटी कैपिटल एम, ग्राम पर लीटर, जी, अब मैं लिखता हूं, अगर मैं कहूं ग्राम पर लीटर, ठीक है, और परसेंट डब्ल्यू बाई वी, तो आप सीधे सीधे देखो परसेंट डब्ल्यू बाई वी क्या गया, ग्राम पर लीटर में डब्ल्यू बाई वी इंटू 1000, और इसमें देखो डब्ल्यू बाई वी इंटू 100। जी, ये पर 100 एमएल में है और ये पर 1000 एमएल में है, तो क्या आ गया भाई, 10 times। जी, अब अगर आपको इसमें से अगर ग्राम पर लीटर को परसेंट डब्ल्यू बाई वी में चेंज करना हो तो ओनली 10 की जरूरत है, 10 आपको पता ही है, गिवन है, ग्राम पर लीटर चाहिए परसेंट डब्ल्यू बाई वी, आसानी से चेंज होगा, या परसेंट डब्ल्यू बाई वी गिवन है चाहिए ग्राम पर लीटर, इजीली चेंज हो जाएगा। ऐसे देखो तो ग्राम पर लीटर अपॉन नॉर्मलिटी, जी, ग्राम पर लीटर और नॉर्मलिटी में ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई वी इंटू 1000, और नॉर्मलिटी क्या होगा, डब्ल्यू बाई ई इंटू वी इंटू 1000। जी, हमें यहां क्या मिला, इक्विवेलेंट वेट, यानी कि अगर हम ग्राम पर लीटर
कंसंट्रेशन को अगर नॉर्मल टी को बदलना चाह रहे ग्राम पर लीटर में, तो हम उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इक्विवेलेंट वेट से। ऐसे देखो क्या थी, ग्राम पर लीटर अपान मोलर टी। ग्राम पर लीटर क्या भाई, W अपान V इंटू 1000, और मोलर टी क्या है, W बाई MW यानी मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ये भी 1000, सब तो एक ही है, सिग्निफिकेंट कैंसिल होंगे, क्या मिल गया मॉलिक्यूलर वेट, यानी ग्राम पर लीटर आपको चाहिए, गिवन है मोलर की, तो कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई से, जी हां, यानी कि नॉर्मल टी गिवन है, इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करो ग्राम पर लीटर, मोलर टी गिवन है मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो ग्राम पर लीटर, जी हां, इसी को भी आपस में भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम यहां पे नॉर्मलिटी और मोलारिटी को आपस में चेंज करना चाहें तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी, नॉर्मलिटी क्या है W by E into V into 1000, और मोलारिटी क्या है भाई W upon MW into V into 1000, क्या मिलने वाला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जी हां, और आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर या यंग फैक्टर, ठीक है ना, और ये फैक्टर क्या है आपको पता है, अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग जो होती है, रेडिकल है तो उसकी वैलेंसी होती है, जी हाँ, तो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, ये यंग फैक्टर, अब आपको पता होना चाहिए नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी इक्वल यंग फैक्टर हुआ, और जो यंग फैक्टर है वो पता है तो मोलारिटी को नॉर्मलिटी में चेंज कर सकते हैं, नॉर्मलिटी को मोलारिटी में। यहाँ पे डेंसिटी जरूरत नहीं पड़ी है, क्यों, क्योंकि आपको देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे वेट वेट में ही है, वॉल्यूम वॉल्यूम में ही है, इसलिए डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं है, आप उसमें किसी को भी चेंज कर सकते हो, ओके, तो वीडियो को पॉज करो, नोट करो और इस पर न्यूमेरिकल अटेंड करो, और ये न्यूमेरिकल मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा और रिलेशन देखते हैं, ओके, अब यही पर चेंज कर दो किसमें, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में, तो परसेंट डब्ल्यू बाई वी, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, यहां वॉल्यूम किसमें चेंज हो रहा है, अमाउंट में, जी हां, अतः डेंसिटी जरूरत पड़ने वाली है, कैसे देखते हैं, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बाई वी यानी वेट ऑफ आ वेट ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन पर 100 ml, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें परसेंट वेट बाई वेट मिला हुआ है, वेट परसेंटेज, तो ये अमाउंट ऑफ सॉलिड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर इसमें रिलेशन में ले आता हूं परसेंट W by V, देखना परसेंट W by W, जी हाँ, सब कुछ समझिए, समझ गए तो सब आसान है, तो W by V into 100, W by W into 100, 100 से 100 divide, W W amount of solution दोनों है, ये आपका क्या है, तो ये क्या है आपका amount of solution और amount of ये volume of solution, जी हाँ, यहाँ पे ये क्या है W अपॉन V, ये क्या है अमाउंट ऑफ यानी पदार्थ की बिलियन की मात्रा, जी हाँ, और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का आयतन है, और अगर ये ग्राम में है तो ये किस में होगा ml में, तो आप देखो जरा परसेंट W बाई W अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैसे आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, आपको पता है क्या डेंसिटी, क्या पता है डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल क्या होती है, मैं आपको यह बताता हूं, डेंसिटी समझे घनत्व, मास अपान वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, अगर मास को करना है तो क्या करो वॉल्यूम में
वॉल्यूम को चेंज करना हो मास में, तो वॉल्यूम में डेंसिटी से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मास की जगह क्या ले सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जी हाँ, और वॉल्यूम की जगह क्या ले सकते हो, मास अपॉन डेंसिटी। आप जो भी करो एक ही काम होने वाला है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो अमाउंट यानी मास को हम लोग चेंज कर दे रहे किसमें, तो वॉल्यूम में, क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नीचे भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। और जिसमें, तो ये ग्राम में एमएल में है, तो हमने चेंज किया होगा, तो ये भी किसमें आया होगा, ये डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, और एमएल में तो कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा ग्राम। जी हाँ, ये आपका कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये मान लो क्या गिवन है, डी। हाँ, तो अगर आपको परसेंट डब्ल्यू बाई डी को परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में चेंज करना हो, तो क्या जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की। क्यों क्यों पड़ गई भाई डेंसिटी की जरूरत, इसलिए पड़ गई क्योंकि यह वॉल्यूम किसमें चेंज हो रहा है, वेट में, अमाउंट में, या अमाउंट किसमें चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में, इसलिए पड़ गई है। बात समझ में आ रही है, हाँ। परसेंट डब्ल्यू बाई डी को अगर परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में चेंज करोगे, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कोई चेंजिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वॉल्यूम को अमाउंट में चेंज करना है, समझ में आ जाना चाहिए डेंसिटी की तुमको पड़ेगी। और परसेंट डब्ल्यू बाई डी, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इक्वल क्या हो रहा है, डी, एंड डी यानी डेंसिटी, डेंसिटी पता तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जनरली किस पर, पढ़ते नॉर्मलिटी, मोलरिटी पर, मोलरिटी, मोलरिटी पर। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिलेशन देखें, नेक्स्ट रिलेशन को मैं समझाने जा रहा हूं। या अब ये आप ग्राम पर लीटर, और चेंज करना किसमें, मोललिटी, मोललिटी समझ में आ रहा होगा, मोललता। जी हाँ, ग्राम पर लीटर को मोललिटी में चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा भाई, पहले समझते तो है क्या, ग्राम है किसका, अमाउंट किसका, सॉल्यूट का, विलेय का, लीटर किसका, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ये हो गया। यानी आपको पता है डब्ल्यू बाई वी, और लीटर में अगर एमएल है तो किससे मल्टीप्लाई, 1000 से। और आपको ये भी पता है मोललिटी क्या होती है, जी मोललिटी होती मोल पर किलोग्राम, अरे मोल किसका, सॉल्वेंट का, किलोग्राम किसका, सॉल्वेंट का। तो यहां क्या हो जाएगा जरा बताओ, तो आपको पता है मोल कैसे निकालते हैं, अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तभी तो मोल निकलता है। जी हाँ, और वॉल इसका अमाउंट है, ये सॉल्वेंट का, इसमें किलोग्राम में, अगर ग्राम में तो क्या करेंगे भाई, 1000 से मल्टीप्लाई तो करेंगे। जी हाँ, अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ये रिलेशन आपको ऐसे ले जाएगा कि ये आप देखो क्या है, वॉल्यूम लेकिन सॉल्यूशन का, और ये अमाउंट लेकिन सॉल्वेंट का। जी हाँ, तो अगर हमें चेंज करना हो ग्राम पर लीटर, और मोलरिटी को हम इस्तेमाल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, तो ये मिल गया डब्ल्यू बाई वी इंटू 1000। यहां क्या मिला, डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, और ये आपका क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैंसिल, 1000 से कैंसिल। जी ऊपर क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट, ये तो देख के लिख लोगे क्योंकि सॉल्यूट का है, और ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, जी हाँ ये कैपिटल डब्ल्यू है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है, ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये ना देखे कुछ और भी दे सकता है। अब देखो ऐसे जरा मैं हासिल करता हूँ, यहाँ तो देखें, यहाँ मुझे पता है कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन वो होता है क्या, वो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जी तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन आपका ये क्या है, डब्ल्यू है, सॉल्यूशन कितना है, वी एम एल है, जी
और सॉल्यूट कितना स्मॉल डब्ल्यू ग्राम है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू निकलने वाली है। बट आपको पता है वॉल्यूम गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, वॉल्यूम किसे बदलना है, डेंसिटी में। और आपको पता है क्या होता है डेंसिटी इक्वल क्या होता है, तो मास अपॉन मास किसका, जाहिर सी बात है डेंसिटी जिसकी होगी उसी का मास लेंगे, डेंसिटी सॉल्यूशन की है। तो कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा तरफ बताओ तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है या V से है तो यहां मैं कह सकता हूं क्या कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जी हाँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या मिल गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूशन के अमाउंट में से किसको घटा देते हैं, सॉल्यूट के अमाउंट को। जी हाँ, यानी कि मैं कह लूं कि अगर ये सॉल्वेंट का अमाउंट है तो हमें क्या चाहिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है V into D और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल डब्ल्यू, ये हम लिख सकते हैं यहां पे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिलेशन याद रखने से बेहतर है कि कैसे चेंज करते हैं ये दिमाग में रखना चाहिए कि ग्राम पर लीटर अपॉन मोलरिटी है और ये आपका क्या है मॉलिक्यूलर वेट, ये तो सॉल्यूट को देखकर लिख दोगे और ये नहीं गिवन होता है तो आप क्या करोगे V into D minus W अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल V। कैपिटल V क्या है, ये वॉल्यूम है। जी हाँ, वो पता चलेगा कि क्या गिवन है उसके हिसाब से करते हैं तो हमें पता चलेगा क्या ग्राम पर लीटर अपॉन मोलरिटी, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहां डिवाइड करते हैं डी माइनस डी अपान वी डब्लू डी माइनस डब्ल्यू अपान वी, क्योंकि वी को मल्टीप्लाई करोगे तो वी भी कैंसिल हो जाएगा यहां मिलेगा डब्ल्यू बाई वी। इस तरीके से आप यानी मॉलिक्यूलर वेट किसका सॉल्यूट का, डेंसिटी किसकी सॉल्यूशन की, वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू किसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जी हाँ, तो यहां पर हमें कंटेंट पता होना चाहिए कि ग्राम पर लीटर क्या है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ग्राम सॉल्यूशन पर लीटर सॉल्यूशन, मोलरिटी क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम सॉल्वेंट। जी हाँ, पर किलोग्राम सॉल्वेंट। अब आपको पता है कि अगर हम सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट चाहिए सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट और सॉल्यूशन का अमाउंट क्या होगा, वॉल्यूम पता है तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा V into D। वॉल्यूम पता है डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट निकल गया और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता है घटा दो तो मिल गया क्या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। जी जहां जैसे जरूरत होगी हिसाब से करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत कोई बात नहीं, अगर हम ग्राम पर लीटर की बजाय नॉर्मलिटी को चेंज करेंगे मोलरिटी में तब भी यही काम करना पड़ेगा कि नॉर्मलिटी क्या है इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और मोलरिटी क्या है मोल पर लीटर सॉल्यूशन। जी हाँ, तो यहां पे हमें पता है उसमें भी यही काम करने वाला है। जी, ग्राम पर लीटर की बजाय मैं चेंज करने वाला हूं किसको, नॉर्मलिटी को। अब नॉर्मलिटी को चेंज करना है किसमें, मोलरिटी। बहुत सारे क्वेश्चन के हुए इस पर, नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा बताए तो नॉर्मलिटी यानी इक्विवेलेंट पर लीटर। जी, इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट किसका सॉल्यूट का, इक्विवेलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं तुल्यांक, पर लीटर यानी किसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब तुल्यांक कैसे निकालते भाई, मात्रा बटे तुल्यांक की भार। जी हाँ, मात्रा बटे तुल्यांक की भार, ये तो है आपका तुल्यांक निकलता है मोल, मात्रा बटे अणु भार, अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का, किसमें होना चाहिए लीटर में क्योंकि नॉर्मलिटी है और लीटर में नहीं है तो एमएल में है तो ऐसे ही तो है,
मोलरिटी, मोलरिटी क्या है? मोल पर किलोग्राम। लेकिन मोल किसका? सॉल्यूट का। इक्विवेलेंट किसका? सॉल्यूट का। लेकिन पर किलोग्राम, किलोग्राम यानी अमाउंट किसका? सॉल्वेंट का। और यहाँ वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। ये डिफरेंस है। जी हाँ, किलोग्राम और वॉल्यूम में ही केवल डिफरेंस नहीं है, मोलरिटी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को बताती है और नॉर्मलिटी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को बताती है। तो मोल कैसे निकलेगा? अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वह वेट किसका? सॉल्वेंट का। किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। जी अगर यहाँ पे नॉर्मलिटी है और क्या है? मोलरिटी। अगर नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी और यहाँ क्या है आपका? मोलरिटी। और इसको आपको क्या करना है? आपस में रिचेंज करना है। तो आपको पता है W by E V into 1000 W by molecular weight amount of solvent 1000 G। आपको ये amount of solute cancel, amount of solute cancel, volume weight, volume of solution, weight of solvent, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का तुल्यांक की बार, विलेय का अनुपात, विलायक की मात्रा, विलयन का आयतन। जी अब आते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर जाने वाला है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर जाने वाला है, इक्विवेलेंट वेट नीचे है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे है। आपको पता है इन दोनों में रिलेशन? जी आपको पता है किसी का भी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एस फैक्टर या एन फैक्टर। जी तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या? नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इक्विवेलेंट वेट की जगह, इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। और ये बताओ, बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जी अभी कैंसिल। एन फैक्टर क्या होता है भाई? ये तो अम्ल की क्षारकता, क्षारक की अम्लता, मोलर की संयोजकता या फिर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंजिंग होती है वो, ये सारी चीजें तो बताई जा चुकी हैं। W अपॉन V, W क्या है आप बताओ तो? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलता है? आपको पता है W निकलता है V into D minus small W। ये कैसे हुआ भाई? ये ऐसे हुआ, देखो यहां पर समझाता हूं। आपको पता है सॉल्वेंट क्या? पता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इक्वल क्या हो जाता है? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। ओके, सॉल्वेंट W है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है हमें, अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए? सॉल्वेंट का अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को। जी हाँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम में किससे मल्टीप्लाई कर दो? डेंसिटी से। किसका वॉल्यूम होना चाहिए? सॉल्यूशन का। डेंसिटी किसकी? सॉल्यूशन की। मिल जाएगा क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है? तो यहां पे है कंटेंट। जी अब नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी क्या हो जाएगी जरा बताओ तो? तो ये क्या है? एक्स फैक्टर वी से डिवाइड कर दिया, मिला क्या? डी। यहां पे डब्ल्यू अपॉन कैपिटल वी, ये तो हो गया। इन रिलेशन को याद करने की बजाय रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। ये एक्स फैक्टर, यन फैक्टर, ये तो आपको सॉल्यूट देख के पता करना पड़ेगा। लगी कोई लिखा रहता है द्विक्षार की बराबर टू, एक क्षार की मोनोबेसिक डाइबेसिक, तो यानी मोनोबेसिक इक्वल वन, डाइबेसिक इक्वल टू। डेंसिटी गिवन हो सकती है। जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में डेंसिटी जनरली गिवन रहती है, या रिलेटिव डेंसिटी हो सकती है। रिलेटिव डेंसिटी को ग्राम पर एमएल दस कर दो, डेंसिटी आ जाती है। डब्ल्यू क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये कैसे? मोल से बदल लेना ना, और जितना भी आपकी मोलरिटी दी हुई होगी उसके हिसाब से फिर आप क्या करोगे? वॉल्यूम लिख लोगे। जी अभी क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहीं पर पहुंच करके नोट करें, अगर नॉर्मलिटी की जगह मुझे मोलरिटी को चेंज करना हो तो कोई बात नहीं। कंटेंट बस समझिए, नॉर्मलिटी की जगह अगर मोलरिटी है और चेंज करना है मोलरिटी में,
तो ये क्या होता है, मोल पर लीटर, और मोल किसका, सॉल्यूट का, लीटर किसका, सॉल्यूशन का, और मोल कैसे निकलता भाई, अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, लीटर में होना चाहिए, लीटर में नहीं है, एमएल में है, तो उसको कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और आगे मोलरिटी क्या, मोलरिटी तो मोल पर किलोग्राम, किसका मोल, सॉल्यूट का, किलोग्राम, ये थोड़ा डिफरेंस होना पड़ेगा, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर सॉल्यूशन, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल इन पर किलोग्राम सॉल्यूशन, पर किलोग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, जी हाँ, तो ये आप मोल बदले, ये किसका अमाउंट है, सॉल्वेंट का, किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, ग्राम में है, तभी आपने 1000 से डिवाइड किया होगा और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ होगा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ओके आगे बढ़े, तो ये आपका अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि यहाँ नॉर्मलिटी नहीं है, क्या है, मोलरिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट मॉलिक्यूलर वेट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अब तो आपका एक और कैंसिल होने वाला है, क्या, मॉलिक्यूलर वेट, जी हाँ, ये कैंसिल हो चुके हैं, अब क्यों, क्या मिला, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन, क्या, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन, कैपिटल डब्ल्यू यानी अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और कैपिटल वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट नहीं है, सॉल्वेंट का है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, ये आपका देखो क्या है, मोलरिटी, ये क्या है, मोलरिटी, और आपको पता है कैसे निकलेगा, तो सॉल्वेंट यानी विलायक बराबर बिलियन माइनस विलेय, बिलियन की मात्रा, विलायक की मात्रा बराबर बिलियन की मात्रा माइनस विलेय की मात्रा, और बिलियन की मात्रा कैसे निकलती है, तो बिलियन के आयतन में किससे मल्टीप्लाई कर लो, डेंसिटी से, क्या निकल जाएगी, विलेय की मात्रा, घटा दो विलेय की मात्रा को, निकल गई विलायक की मात्रा, यानी यहां पर लिख सकते हैं v into d minus small w capital v, v से v डिवाइड हो गया, क्या मिला, d, और यहां पे ये यहां देखो, यानी कि मोलरिटी अपॉन मोलरिटी, जी हाँ, डेंसिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे क्या मिल गया आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जी ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा बस आपको समझना है, अलग अलग कंसंट्रेशन को पहले समझना है, अलग अलग कंसंट्रेशन को अगर समझ गए तो ये रिलेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, और न्यूमेरिकल तक करने में कोई दिक्कत ही नहीं आनी है, जी हाँ, अभी अटेम्प्ट करके दिखाता हूं मैं आपको, ओके, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, अब इस पर मैं क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ।